नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि आ रही है और आप सभी को पता ही है माता रानी को हलवा बहुत पसंद है। दोस्तों, आटो और सूजी का हलवा तो आप हर बार भोग लगाते हो, एक बार आप इस तरह से मूंग दाल का हलवा बनाकर भोग लगाइए, यकीन मानिए आप हर बार इसी तरह हलवा बनाओगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कटोरी मूंग दाल, जिसे तीन चार बार साफ पानी से धोकर 2-3 घंटा के लिए भिगा कर रखेंगे। मैंने पहले से ही भिगा कर रखी है। देखिए, दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसका पानी अलग करके मिक्सी में पीसेंगे। और ये 1 कप बादाम को भी मैंने रात भर पानी में भिगा कर रखा है। अब इसका छिलका उतार दिया है, अब इसे भी पीसेंगे। बादाम आप कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी हलवा बनाती हूँ तो बादाम और खोया बराबर डालती हूँ, जिससे इसका टेस्ट उभर कर आता है। देखिए, दाल मैंने बिना पानी पीस ली है। ये एकदम मोटी भी नहीं है और महीन भी नहीं है। हलवा के लिए दाल दरदरा ही पीसते हैं। और ये बादाम भी मैंने पीस लिया है। अब बनाते हैं हलवा। गैस पे कढ़ाई रखते हैं, उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। दोस्तों, बेसन इसलिए डालते हैं कि आप जब भी दाल सेकोगे तो आपकी दाल कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। अब डालते हैं अपनी पीसी हुई दाल और लो मीडियम गैस पे लगातार चम्मच चलाते हुए इसे सेकेंगे। लगभग 10-12 मिनट हो गई है और दाल आधे से ज़्यादा सिक चुकी है। देखिए, बेसन डालने से दाल बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अब इस स्टेज पे डालेंगे पिसा हुआ बादाम और फिर से लगातार सेकेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा घी कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, दाल अच्छे से सिक गई है और घी भी छोड़ने लग गई है। अब इसमें डालेंगे 1 कप खोया, वजन में लगभग 150 ग्राम है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, 5-7 मिनट और सेकेंगे। लगभग 7 मिनट हो गई है और दाल अच्छे से सिक चुकी है। अब गैस को करते हैं बंद और चाशनी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, पूरी दाल सेकने में मुझे लगभग 30 मिनट लगा है। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। दोस्तों, जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से मैं चीनी ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो, लेकिन ये एकदम परफेक्ट मीठा होगा। अब 1 कटोरी पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। देखिए, चीनी एकदम मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में उबाल भी आने लग गया है। दोस्तों, इसमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है। देखिए, इस तरह चाशनी तैयार है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसमें केसरिया कलर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कलर अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल से भिगी हुई केसर और खुशबू के इलायची पाउडर। अब इसमें मिक्स करते हैं सेकी हुई दाल।
हलवा तैयार है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे करते हैं सर्व। फाइनली अब इसमें बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन और केसर से गार्निश करेंगे। मूंग दाल का हलवा खाने के लिए तैयार है और इसकी खुशबू तो पूरी किचन में इतनी अच्छी आ रही है, तो आप भी इस नवरात्रि में बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।